हैं TN24x7 और मैं तरुण प्रताप सिंह। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी अपने पूरे चरम पर है और जो इलाहाबाद पिछले 15 दिनों के दौरान में दो छात्र संघ की कवरेज किया, इलाहाबाद छात्र संघ का चुनाव पूरा देखा, कवर किया, अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी था या स्टेट यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो मुझे एक टीस थी पूरे इलाहाबाद छात्र संघ चुनाव के दौरान और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अब तक के छात्र संघ कवरेज के दौरान, वह एक यह थी कि मुझे लड़कियां नहीं मिली बात करने के लिए। आधी आबादी की जब हम बात करते हैं तो आधी आबादी से ही हम पूरा नेतृत्व दे देते हैं और दूसरी आधी आबादी के विषय में बात नहीं करते। जो दो चीज, एक कॉमन चीज जो मुझे देखा इलाहाबाद छात्र संघ चुनाव में और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव में, वह यह था कि वहां भी लड़कियां मुखर रूप से अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, अपने भी समाज के लड़कियों का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी और यहां तो लड़कियां चुनाव प्रचार से भी नदारद हैं। मेरे साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की MBA की कुछ छात्राएं, MBA की कुछ छात्राएं हैं, तो इनसे आइए जानते हैं कि क्या आखिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की छात्राएं क्यों छात्र संघ चुनाव, जब लीडरशिप स्किल की डेवलपमेंट की बात हो रही है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात हो रही है, तब यहाँ की छात्राएं क्यों पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि ये बेहतर समझती होंगी। मेरे साथ आप सभी अपना परिचय दे दीजिए क्योंकि मैं सबका नाम भूल गया हूँ। आपका नाम राधिका जी है, आप MBA में, आप मीनसा, हाँ अनामिका गुप्ता जी, और आप सभी का स्वागत है। एक एक कमेंट आप लोग दीजिए कि क्यों यहाँ की लड़कियाँ चुनाव नहीं लड़ रही है या उस तरह से सामने नहीं आया। आयुषी श्रीमाली मात्र एक यहाँ की निर्वाचित अध्यक्षा रही है, उसके बाद तो मैंने 4 साल चुनाव अब तक देखा तो कोई लड़की सामने भी नहीं आती। क्या कारण है, क्यों लड़कियाँ चुनाव नहीं लड़ रही है? थोड़ा सा लाउड बोलेंगी तो ज्यादा सुनाएगी। क्या गुंडा कर दी इसके कारण लड़ी? आपको डर रहता है कि मतलब जो बॉयज हैं उनके कंपैरिजन में वो उनको मतलब थोड़ा फील होता है, उनको ऐसा फील होता है। ये दोनों लोग करें गुंडागर्दी और लड़कियों का डर है, ऐसा सही आप भी समझ? नहीं, यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा वैसे कि मतलब लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती पॉलिटिक्स में, मतलब ऑलरेडी बॉयज इतना इन्वॉल्व है कि लड़कियों को मौका मिलता ही नहीं। अगर एक दो लड़कियां खड़ी भी होती हैं तो लड़कों को दबा देते हैं ताकि मतलब वो आगे ना आ पाए। अगर लड़कियां अगर खड़ी हुई तो जानती ही लड़कियां ही जीतेंगी, प्रेफर ही लड़कियों को किया जाएगा, लेकिन यहाँ इतना लड़कों का इन्वॉल्वमेंट है, लड़कियों को आगे ही नहीं दिया जाता। तो क्या आप लोग लड़कों से डरती हैं क्या? विद्यापीठ का जो पॉलिटिक्स का माहौल है वो खराब होता जा रहा है। आप गेट नंबर 1 से आ जाइए, 2 से आ जाइए, पूरे वेस्टेज ऑफ पेपर क्या है। आप वो दूसरा मैं जो जानना चाहता हूँ ये कि लड़कियां चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, मुझे पता नहीं आप अपना वो डेटा चेक कीजिएगा, उस साल भी अंकिता सिंह करके अध्यक्ष हमारे यहाँ लड़ी थी। ऐसा नहीं है लड़कियां नहीं लड़ती हैं, हाँ ये हो सकता है कि परसेंटेज कम है। यहाँ तो डरने की बात है तो लड़कों से लड़के क्यों डरेंगी? नहीं आपकी, मैंने कुछ नहीं कहा लड़कियां डरें, आपकी इन्होंने मित्रों ने कहा, अगर आप बोलेंगे ना सबकी बात स्पष्ट रहेगी। अगर लड़कियों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो लड़कियों को लगे कि हाँ हमारे सपोर्ट में कोई है, अगर सिर्फ एक दो लड़कियां स्टैंड लेंगी तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि लड़के आएंगे ढेर सारे। अगर रश में अगर लड़के आ रहे तो लड़की चढ़ जाएंगे। अगर लड़कियां ढेर से मतलब रश मतलब ज्यादा क्राउड में रहेंगी तो लड़कियों को थोड़ा ये पॉजिटिव रहेगा, हाँ मेरे साथ भी लड़कियां हैं। मतलब लड़कियां जो चुनाव लड़ भी रही हैं उनके साथ लड़कियों का वो हुजूम या जो संख्या बल नहीं है, एक लड़की आगे चल रही है। अगर लड़कों के संग अगर कोई लड़की खड़ी है और 4 लड़के लेके चल रही है तो पीछे से पहले 4 लड़के खुद कमेंट करते हैं उसके अंदर कि उनका करेक्टर नहीं सही है, वो पता नहीं कैसे आते हैं, उनकी इच्छा भी अलग जाती है, सबसे पहले माइंड में इमेज खराब हो रही है, एक लड़की हो के आ रही है। एक चीज मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पुरुष सत्ता होती है जिसे पितृ सत्तात्मक हमारा समाज कहता है, वहां लड़कियों को दबाया जाता है, आप इस बात को आप सनातन पूरे इतिहास को आप देखेंगी, लेकिन क्या आप लोग छीटा कसी से यहाँ की छात्राएं डर जाती हैं या लड़कों का इस तरह से जो आप कह रही हैं कि वो कमेंट करते हैं इस तरह से, तो क्या लड़कियां यहाँ की इतनी कमजोर हो गई हैं कि छीटा कसी से नेतृत्व करने से डरने लगी हैं? कमजोरी की बात नहीं है, वो जैसा है कि वो इन्वॉल्वमेंट है, वो मेन बेसिकली है कि ग्रुपिज्म नहीं होता, यूनिटी नहीं चाहिए। अगर लड़कियां तो यूनिट में अगर बेहतर ग्रुप में आएंगी तो लड़के कुछ नहीं कर सकते। तो क्या यहाँ की लड़कियां खुद ग्रुप नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब लड़कियों को खुद विश्वास नहीं है कि लड़कियां नेतृत्व कर सकती हैं, एक इसका संदेश तो यह भी जा सकता है। ऐसे कुछ नहीं हो रहा, जब बात कर रहे हैं हिस्ट्री की
केमिस्ट्री में आपको ये बताते हैं, हमारा शास्त्र ये नहीं कहता कि आदमी पुरुष बराबर है, कि औरतें हमेशा ऊपर रही हैं, उनको आदमी के बराबर आने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऊपर हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग डर के नहीं आगे आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने कहा कि समाज हमारा पितृसत्तात्मक हो गया, जिसमें हमें लगता है कि सारी शक्तियां पुरुषों के पास ही रहनी चाहिए, समाज की बात कर रहे हैं उन्हीं की वजह से ही आगे नहीं आ रहा। अगर घर से वो पूरी लड़की के संग बाइक पे बैठ के चुनाव प्रचार करती है ना, तो उनके जो सर वाले सर्कल आई है तो शायद इस डर की वजह से कुछ लड़कियां आगे नहीं आ रही। यार मेरे मन है, मान लीजिए बनारस के लोग अभी भी अलहड़ हैं और थोड़ा सा ऐसे नहीं आपकी बात जानी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप उठा रहे हैं, उसको आप बिल्कुल इस तरह से मत देखिए। क्या बनारस के लोग अल्हड़ हैं और अभी भी बाइक वाले टाइप के हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा होता तो अभी भी लड़कियां घर में बैठी होती हैं, हम लोग यहाँ एमबीए का ड्रेस पहन के यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी में एमबीए नहीं कर रहे होते पहली बार। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग हैं क्योंकि हिस्टोरिकल हम लोग फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, जहाँ हम लोग के पैट में अगर आपके ट्रेडिशन में देखेंगे तो आपको साड़ी और सूट में भी दिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अंकिता सिंह चुनाव लड़ी थी पिछली बार, जानकारी है कि एबीवीपी की प्रत्याशी पत्री अंकिता सिंह, क्या लड़कियां एकजुट होकर वोट बैंक के रूप में नहीं सामने आ रही? कुछ गई एक उत्तर थी, लेकिन उन्हीं के ऊपर लगाया गया कि वो हॉस्टल में जाकर वोट मांगी, और सारे लड़की खड़े बैठे कि आप लड़कों के हॉस्टल में घुसी कैसे, तो सबसे पहले उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था। स्वाभाविक है, अगर लड़के वहाँ वर्जित होगा लड़कियों का जाना तो नहीं जाना चाहिए। तो फिर आप बताइए, ये बताइए एक चीज, जहाँ इसे लड़कों के छात्रावास में लड़कियों को जाना वर्जित है और लड़कियों के छात्रावास में लड़कों को जाना वर्जित है, उसको अच्छे तरीके से क्या क्या अंकिता सिंह उन्होंने सिर्फ लड़कियों को ही वोट बैंक के रूप में एकत्रित कर पाई थी, लड़कों को उनका कोई चुनाव नहीं, 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 तो वो अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकती थी जैसे लड़के ना, तो उनको ये बात रखनी चाहिए कि गलत तरीके से बोलने से पहले, उनके कैरेक्टर पे कुछ बोलने से पहले आपको ये बात उनसे अच्छे से रखनी चाहिए कि मैम आप अंदर नहीं आ सकती, जैसे आपकी एंट्री हमारे गर्ल्स हॉस्टल में बहुत अच्छा, उन्होंने अभद्रता के साथ व्यवहार जो कि गलत था, अभद्रता के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरी आप सभी लोग बताइए कि क्या मुद्दे हैं आप लोगों के। मैं कल कई छात्र नेताओं के इंटरव्यू ले रहा था, थोड़ा सा मैं एक चीज जोर देना चाहूंगा, यहाँ के छात्र नेता मुझे छात्र नेता टाइप के लगे भी नहीं, वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, मैं बहुत मामूली दो तीन सवाल कर रहा था। क्या आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? अगर आपसे आपसे कोई प्रत्याशी भी नहीं आता होगा वोट के लिए, या आप उनको मुद्दे पर वोट देंगी, किसी व्यक्ति विशेष पर वोट देती नहीं होगी, मुद्दे क्या है आप लोगों के यहाँ के? अच्छा, व्यक्ति विशेष बन गया, एबीपी बन गया, एससीएस बन गया है, जो नहीं आदर बन जा रहा है, समाजवादी से आ रहे हैं, एबीपी से आ रहे हैं, भाजपा लेके आ रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं, जीत के हैं, कहीं कोई है विधायक है तो ये हाँ। तो उसके ये वोटिंग इसीलिए हमारी मेंटेलिटी है कि क्या पढ़ना है इसमें, जब यहाँ पे कैंडिडेट को देख के नहीं तो यहाँ पे पीछे आपके बैकग्राउंड देख के अगर वोट दिया जा रहा है तो फिर क्यों हम आते हैं? नहीं तो आप लोग के मुद्दे क्या है? मुद्दे ये कि अभी आप गेट से पूछेंगे हर जगह पेपर पेपर पेपर, फालतू वेस्टेड, मे भी मेरे पास कोई को ऐसे ऐसे कागज लेके आप जा रहे हो, क्या मतलब इसका बताइए? आपके मुद्दे क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? पॉइंट्स आप रखते हो कि हम ये करवाएंगे, अब फिर चुनाव तो दिखते ही नहीं। आप क्या चाहती हैं कि आप ये चाहते हैं कि इलेक्ट करके जाओ, अगर आपको यूनियन से आप एक लीडर की तरफ जा रहे हो तो हमारी बातें वहाँ रखो। क्या आपकी बातें? हम ये नहीं चाह, हम यही चीज जानना चाह रहे हैं, आपके मुद्दे इलेक्शन का अपोज नहीं कर रहे हैं, मानते हैं कि सारा ग्रुप एक साथ बात नहीं कर रहा। मेरी बात आप सुन रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कि क्या मुद्दे हैं यहाँ की लड़कियों की जो चर्चाएं करते हैं कि ये मुद्दे हैं, जैसे एक एग्जांपल तौर पर यहाँ पानी के इस तरह के मुद्दे क्या है, लड़कियाँ क्या मुद्दे सोचती हैं कि ये मुद्दे उठाए जाए चुनाव के दौरान या ये सॉल्व किए जाए, क्या समस्याएं क्लासरूम की, क्या समस्या, क्या समस्याएं आप लोगों की? हमारे एमपी को लेकर चले तो हमारे पानी की पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पूरे 300 रुपए वाटर कूलर है। अच्छा, पानी आता ही नहीं है, एक समस्या ये हो गई पानी की। दूसरा एमबीए की क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस नहीं करती है, नियमित कक्षाएं चलती हैं अच्छा एमबीए के केस में, क्योंकि ये थोड़ा में लग रहा है शायद प्राइवेट ऑटोनॉमस इसका एक सेल्फ फाइनेंस होने के कारण, तो प्राइवेट सेक्टर होने के चलते आप
आपको क्या लगता है इस छात्र संघ चुनाव की कोई प्रासंगिकता, प्रासंगिकता मतलब समझ नहीं, जरूरत टाइप का है कुछ नहीं, नहीं है जरूरत है लेकिन अगर वो सही तरीके से जरूरतें पूरी हो तब आप जीत रहे हो अपने लिए कि हम यहाँ से लेके जाएंगे, हम पार्टी के कैंडिडेट निकल के जाएंगे, हम जाएंगे लखनऊ जाएंगे मिलेंगे। अब आते हो या हमसे कहते हो कि हम आपकी ये सारी चीजें पूरी करेंगे, फिर आप इलेक्शन के बाद तो दिखते ही नहीं हो, फिर एक साल बाद अपना कैंडिडेट उतारने के लिए फिर आ जाते हो। आपको लग रहा है जरूरत है इसकी? क्यों नहीं जरूरत लगता? क्योंकि जब वो जीत के वो बात दिखते ही नहीं तो क्या जरूरत है? जब कुछ प्रोग्रेस हमें दिखे, कुछ डेवलपमेंट हो तब तो हम लोग आगे दूसरे को जिताएं। जब ये लोग जीतते हैं फिर दूसरे दिन गायब, जिस दिन इलेक्शन है उसके बाद वो जीत गया, हम आपके हैं कौन, वो हमको देखेंगे भी नहीं, पहचानेंगे भी नहीं। किसी भी चीज के सबके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, तो जरूरत होती भी है नहीं होती। ये होता है कि किसी भी चीज को ऑर्गेनाइजेशन में कम्प्लीट करने के लिए एक ग्रुपिज्म की नीड हमेशा होती है, एक यूनियन होगा, एक लीडर होगा, तभी कोई किसी भी चीज को हम मतलब कर सकते हैं इस चीज में। तो जरूरत है भी और नहीं भी, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट। ये देखिए इनके अंदर नेता वाला गुण है कि दोनों तरह सामंजस्य में आगे चलता है। आपको क्या लगता है? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोगों का प्रतिनिधित्व उस प्रकार नहीं मिल पा रहा है, या इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि वाकई सिर्फ छात्र संघ चुनाव मतलब राजनीति के लिए? अच्छा, आप लोग अगर अपने दोस्तों को कुछ संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। आप किस किस्म में एक चीज बोलेंगे, अगर आप इलेक्शन की बात करें जो हर ईयर होता है इसको थोड़ा टाइम बाउंड कर दिया जाए, जैसे सरकारें 5 साल करती है, चार साल 5 साल कर दे ताकि हमारी क्लासेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लास में आ जा रहे हो, इसको वोट दो उसको वोट दो, क्या है? तो अगर आपको ये इसके मीडिया के थ्रू कुछ ऐसा जाए हमारा तो हमें अच्छा। नहीं, अपने दोस्तों को क्या संदेश देना जो आपके साथ छात्राएं? अगर हम इलेक्शन के फेवर में अगर बोला जाए तो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का देख के वोट दे कि वो कैसा है, वो कभी दे प्रोटोकॉल को किसी पर्टिकुलर पार्टी को पकड़ के ना दे मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, किसी पार्टी इन सेंस यहाँ के जो छात्र यूनिट है। आपको क्या लगता है? ये लगता है जो डिजर्विंग हो, अगर जो रियली में अगर वो वर्क करता है तो उसको हमें वोट करना चाहिए। अगर अगर बाकी सब वैसे ही वो भी दे के जीत के वो वापस चले जाए तो इसे उनको वोट करना ही बेस्ट है, इसे इलेक्शन ही हमें नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर हो भी रहा है तो लोग अगर उसको जिता है तो कम से कम वो कुछ तो डेवलपमेंट अगर करे। आप क्या यही है कि वो अपना मतलब डेवलपमेंट करें, एफर्ट लगाएं, अपना उस चीज को दिखाएं कि हाँ वो अगर बने हैं, वो अगर चुने गए हैं तो वो अपना एफर्ट करें उस चीज के लिए कि जिस चीज के लिए उन्होंने मतलब मुद्दा हमारे प्रॉब्लम्स को पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, उस चीज को अगर वो सॉल्व करेंगे तो इस वजह से उनके लिए। आपको क्या लगता है? अच्छा, एक चीज और है, आप लोगों से अगर नोटा का भी विकल्प आपके यहाँ है तो आप लोग अपना विरोध नोटा पे क्यों नहीं जताती? नोटा पे अब मिलेगा चांस तो ज्यादा है। अच्छा, इस बार मौका मिलेगा तो दिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा। एक पर्सनल नहीं, जो विरोध होता है विरोध के लिए एक विकल्प दिया गया चुनाव आयोग के भी द्वारा, और बहुत अच्छा है कि विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ के चुनाव करा रहे हैं उस समिति ने भी नोटा को सम्मिलित किया है। जब भी हम बात आधी आबादी की करें तो सिर्फ हम उसको मतदाता के रूप में ना देखें, हम प्रतिनिधित्व की बात करें। बहुत बेहतर है कि पुरुष समाज, कोई भी, सिर्फ पुरुष समाज की बात नहीं, जो सत्ता वाली समाज होती है चाहे जहां की हो, हुआ है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, कंक्लूड करूं, पंचायती राज की तरह क्या आपको लगता है लड़कियों को अब यहाँ रिजर्वेशन दे दिया जाए, मतलब उनको आरक्षण कर, 4 सीट है जैसे यहाँ आपके यहाँ, तो उनमें से 1 सीट या 2 सीट रिजर्व कर दिया जाए? हो सकता है कि फिर आगे लड़कियां भी उस चीज के लिए अपना एफर्ट करें कि वो कोशिश करें, कोशिश करें, मौका मिलती है तो उसको। हाँ, तो मतलब रिजर्वेशन अगर मिले पंचायती राज की तरह तो थोड़ा। वैसे जानते हैं, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं का इंटरव्यू ले रहा था महिला आरक्षण बिल पे, तो उन्होंने इसको तुरंत विरोध किया कि महिला आरक्षण बिल की कोई आवश्यकता नहीं। खैर, वो दूसरा मुद्दा है। तो मैं यार, जब भी आप नेतृत्व की बात करें, जो सत्ता समाज होती है वो कभी भी किसी भी जो उसके जो शोषित जो जिसके शासन कर रही है उस समाज को गिफ्ट के रूप में सत्ता नहीं देती। यहाँ की लड़कियों को भी समझना होगा कि पुरुष, जो हमारा पुरुष वर्ग है, वो ऐसे ही सब कुछ आप लोगों को गिफ्ट में लाकर नहीं देगा, और छींटा कसी और चाहे जिस तरह की आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं, यह बहुत ही सामान्य बात है। और यह खासकर हम जैसे पुरुष वर्ग को समझना होगा कि छींटा कसी से हम कुछ दिन के लिए किसी आवाज को कुछ देर के लिए दरकिनार जरूर कर सकते हैं, पर उसको दबा नहीं सकते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं आप सभी कि भागीदारी भविष्य में बढ़े। आपको यह पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं, अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। आप देख रहे थे TNN 24x7। नमस्कार।